नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण नियमावली जारी कर दी गई है। इसके बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी की ओर से जारी आदेश में सभी जिला अधिकारियों को कहा गया है कि पंचायत में आरक्षण रोटेशन रीत से होगा। सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2010 और 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएंगी। और दोस्तों, आपको बता दें, अनुसूचित जातियों में आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों में आवंटित नहीं की जाएंगी। इसी तरह पिछड़े वर्गों में आवंटित जिला पंचायतें पिछड़ों वर्गों में आवंटित नहीं की जाएंगी। नकलों में एक आयोजित प्रेस वार्ता में एसी मनोज कुमार सिंह जी ने बताया कि यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को रोटेशन आरक्षण वाली नियमावली में 11वें संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग ने कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में रोटेशन लागू किया जाएगा। इसके लिए पिछले 5 चुनाव का रिकॉर्ड देखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें, जिला पंचायत में 3051 वार्ड बनाए गए हैं। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नहीं होगा। मनोज कुमार ने बताया कि एससी ओबीसी और महिला के क्रम में गांव का आरक्षण लागू होगा। उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जो पद पहले आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 2 से 8 मार्च तक आप आपत्ति दे सकेंगे। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं कि पंचायत चुनाव में आरक्षण किस तरीके का रहेगा। पंचायत चुनाव में कोई भी पंचायत जातिगत आरक्षण से वंचित नहीं रहेगी। अब दोस्तों, अब तक का जो चक्राक्रम आरक्षण है, ऐसी कई पंचायतें बच गई हैं जिन्हें ना ओबीसी के लिए आरक्षित किया जा सका और ना ही अनुसूचित जात के लिए आरक्षित किया जा सका। ऐसे में इस बार आरक्षण प्रक्रिया करने के लिए चक्रानुक्रम के तहत नया फार्मूला अपनाया जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि वर्ष 1995 से अब तक 5 चुनाव में जो पंचायतें अनुसूचित जात के लिए आरक्षित नहीं हो रही और ना ओबीसी के लिए आरक्षण से वंचित रह गई हैं, वहां ओबीसी का आरक्षण होगा। इसलिए लेकिन इनके बीच में आपको बता दें, ज़्यादा निगाहें पंचायत परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लगी हुई हैं। सबसे ज़्यादा पंचायत परिषद अध्यक्ष के लिए चुनाव के लिए निगाहें ज़्यादा लगी हुई हैं।